इन्होंने मारा भाई इन्होंने। क्यों भाई क्यों है? अच्छा तो लड़ क्यों रहा है, मारा उसको किसी ने? यार थैंक यू आप लोगों ने, सभी ने हमें साइड दी। अंकल जी इसे ना जजमेंट नहीं हो पा रही अच्छे से थोड़ी, क्योंकि उनके पास एक स्कूटर। अरे भाई खुश हो गया। अरे शर्मा हरा हुआ। अंकल जी हमें लेफ्ट जाना है, आगे मेरे को पुलिस वालों ने सुबह सीटियाँ मारी थी और हमने उनको बोला था सीटी मार के बलवनो हट जा, चलान ना डरोना हट जा, पंजाबी सॉन्ग था भाई। हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप देख रहे हो सस्ते नशे। सो इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम, इंग्लिश में अपने हार्ट टाइट है। अरे यार मैंने उनकी ब्रेक लगवा दी, मेरे को लगवानी नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी अंकल जी। तो कैसे हो आप सब, आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो आपका स्वागत है एक और नए मोटो व्लॉग में। आज क्या है, आज है ट्यूसडे और मैं जा रहा हूँ अपने डीएल के टेस्ट ड्राइव देने कार वाले। तो अचानक से मेरे को उनकी कॉल आती है कि भाई वेदर साफ़ है, कैमरे सही वर्क कर रहे हैं, अब आ जाओ अगर आ सकते हो 5 मिनट में। तो मैं कहा आपने 5 बोला, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुंचते हैं उनके पास। ऑल क्लियर है पीछे, अरे छोटे बच्चे साइकिल। अरे नहीं गिरना, हम साइड से निकलेंगे। वो डर गया था बच्चा एक्चुअली। अरे ये देखो ये है प्रो राइडर मेरी तरह, कहता डरते थोड़ी है। मेरे को लगा पुलिस वाले मेरे को रोकने आ रहे हैं, यहीं पे तो आना था हमें, ये तो बंद है आई थिंक। अंदर आवा, ओके भाई आ गया मैं। वो कह रहे हैं ऑफिस के अंदर आ जाओ बेटा, सीधा अंदर घुस जाओ। तो हम भी डरते थोड़ी हैं, हम भी घुस जाएंगे ना, दिक्कत कहाँ है। और मेरे को ये नहीं समझ आ रही मैं ग्लव्स वहीं पे बाइक पे छोड़ के जाऊँ, इधर ड्रिफ्टिंग नहीं करनी ब्रो, ये बाइक बहुत अग्रेसिव हो जाती है कभी कभी ना। आई थिंक इधर वीडियो रिकॉर्डिंग पर लो नहीं है, बैड न्यूज़ अपने लिए। अभी हमें 2 दिन और वेट करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ पे जो ट्रैक है ना वो देख रहे हो सामने, वहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही की वजह से क्या रखे कि कैमरे हो चुके हैं गीले, तो उस वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलो निकलते हैं बाजार वाली तरफ से घर को, देन आपको घर जाते जाते कुछ तो नया दिखाएंगे हम। फिलहाल यहाँ से निकले और इधर तो अरे खड्डा देख रहे हो कितना तगड़ा खड्डा है, सड़क में खड्डा जा खड्डे में सड़क है, कह रहे निकाल रहे चो साले निकाल रहे चो, और हमने निकाल भी दिया। क्या हो गया, लड़ाई होगी। इन्होंने मारा भाई इन्होंने। पूछे एक सेकंड यहाँ क्या हुआ है, क्या हो गया यार इतना भी बड़े भी है, वो सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। अरे
पता नहीं क्या हुआ यार। रुकते हैं यार साइड पे, पूछ लेते हैं यार कि क्या दिक्कत है भाई। बाइक यहाँ पे लगानी सेफ है क्या? सेफ ही है। यहाँ कौन आ रहा है? क्यों भाई, क्यों है? अच्छा तो लड़ क्यों रहा है? मारा उसको किसी ने? तगड़ा सीन है भाई। सब हंस रहे हैं क्या? अगर कह रहा है मैं जो यहाँ तक हवा ड्रिंक करी है इन्होंने बहुत ज़्यादा। निकलते हैं भाई ड्रिंक वाले चक्करों में हम बैठते कुछ नहीं। वो उन्होंने बहुत ओवर करी है तो उनको किसी ने कुछ बोल दिया ना, उन्होंने आगे से गाली दे दी, देन गाली दिया तो मार तो खाओगे ही। भाई ड्रिंक ना करी होती अगर बंदे को मारा होता फिर तो हम साथ रुकते वहाँ पे। और बंदे ने ऑलरेडी यार जिसने पता ही है जिसने ड्रिंक करी होती है वो तो गलत होता ही है, और वो जिस हिसाब से चिल्ला रहा है वो तो दिख ही रहा है कि गलत है। लोगों की भी ना गलती है भाई, अगर किसी ने ड्रिंक करी उसके साथ बहसबाजी ही ना करो क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। मेरे को कोई ऐसा कोई दिख जाए मैं तो कहता हूँ भाई तू जा यार, तू सही है हम गलत है, बैंचो हमें सही हो के यहाँ वोट नहीं लेना। और लोग ना शराबी बंदे को मार के बहादुरी दिखाते हैं, बैंचो जो खुद ही अपने होश में नहीं उससे क्या ही लड़ोगे तुम यार। ये मैं गंदी चीज़ें करने को घूम रहा हूँ यहाँ, क्लोज कॉल्स नहीं देने भाई, क्लोज कॉल्स नहीं देने हमें भाई, क्लोज कॉल्स से बचना है। पता क्यों क्लोज कॉल्स को आप देख के समझते हो मैं पता नहीं कितनी रैश कर रहा हूँ, तो हमें क्लोज कॉल से बचना है, क्लोज कॉल से ही। आगे मेरे को पुलिस वालों ने सुबह सीटियाँ मारी थी और हमने उनको बोला था सीटी मार के बलवानो हट जा, चलान नाल ड्रोना हट जा, पंजाबी सॉन्ग था भाई। अभी अपने पे लाइसेंस नहीं है ना तो डर लगता भाई, जिस दिन लाइसेंस होगा ना उस दिन तुम्हारा भाई छाती तान के पुलिस वालों के आगे डांस करके आएगा। या डरते थोड़ी हैं फिर बैंचो। अरे यार ये जरूर दिखना होता पठानकोट में हमें, शिट यार हम इस गली में से घुसेंगे। इधर भी ऑलमोस्ट ट्रैफिक है, यहाँ से निकल तो जाएगा बाइक, अगर कहीं टच हुई तो दिक्कत है ब्रो। सामने जगह नहीं है, यहीं से निकलते हैं। फ्यूं फ्यूं भाई, अब जिस सिटी में रहते हो ना वहाँ पर अपना चलान नहीं कटवा सकते, आपको ऐसी ऐसी गली बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी निकलने के लिए। इनको साइड देते हैं फिर हम खुद निकलते हैं। चलो हम सभी को साइड देते हैं, हमें कोई साइड नहीं देता। व्हाट दिस, पीछे लेना पड़ेगा भाई सामने से, उन दोनों को भी साइड देना, दो को साइड देनी थी भाई, पांच आ गए हैं। निकल टच हो गया बाइक, ये तो नहीं करवाना था। अब उधर से लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे यार, इतने लोगों को नहीं बुलाना था ब्रो, मेरे को गुस्सा देना चाहिए था। बहन जो सब साइड होते साइड देते, मैं क्यों रुका?
थैंक यू आप लोगों ने, सभी ने हमें साइड दी। अंकल जी से ना जजमेंट नहीं हो पा रही अच्छे से थोड़ी, क्योंकि उनके पास एक स्कूटर। अरे भाई खुश हो गया। अरे शर्मा हरा हो। अंकल जी हमें लेफ्ट जाना है। थैंक यू आपने हमें लेफ्ट जाने का मौका दिया। और ना मज़ा आता है कभी कभी रैश राइड करने का भी, जो कि मैं नहीं करता। वो तो अपने किसी और के ब्लॉग देखे होने हैं भाई, वो मेरे नहीं थे। गेस्ट आते हैं हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते हैं। हाँ ये बढ़िया है, चो हाथ दो और निकल लो, सामने चाहे बंदा है जो मुंह के बल नीचे गिरा हो बाइक से, आपको बचाता बचाता। दीदी का भी बढ़िया था। किधर आ रहे हो भैया जी, थोड़ा अपने लेन में हो जाओ ना यार। एक तो लोग ना आगे आगे ऊपर ऊपर आते रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मिलता है इनको। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ जो रोक दूँ बाइक। मेरे को लगा मेरे को कॉल आ रही थी, मैं एक ग्लव्स को खोल के फ़ोन नहीं सुनना पसंद करूँगा। तो चलो फिलहाल अभी तक जितना हमने देखा वो काफ़ी है, अब आपको दिखाएंगे हम। सो अभी हम फिर से बाहर आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो बाइक पे, और अभी हम जाएंगे कुछ पता करने, बहुत ज़रूरी चीज़ पता करनी है। तो रास्ते में फिर कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये पठानकोट सिटी है। मेरे को लगता था अभी मिल ही जाना था, जैसे बोला हम पता करने जा रहे हैं बाइक का अगला टायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है भाई। मेरे को मिचलिन डलवाना है, और मैं सोच रहा हूँ कि पिछला भी मैं चेंज करवा के मिचलिन ही डलवा लूँ, क्योंकि मेरे को कुछ ही दिन हुए हैं डलवाए इसको, एक महीना भी नहीं हुआ। अपोलो का डलवाया था, मेरे को अपोलो का कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को ट्रस्ट ही मिचलिन पे भाई। मिचलिन ऑल टायरन होते हैं, मिचलिन के ना टायर सारे सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं, घिसते जल्दी हैं, बट जो वो ग्रिप देते हैं ना पानी में बहुत मज़ेदार रुकती है बाइक। मेरे को बड़ा गुस्सा आता ट्रैफिक में आके, बुढ़ा पावर च हमें भी पीछे से यू टर्न लेना चाहिए। निकल तो जाएगा वैसे यार, यू टर्न लेके ना टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है वेस्ट करने के लिए। यार ये कार वाला, हाँ आप ये कसर आ गई थी भैया, पीछे से आके बीच बीच में घुसने की कोशिश, ये गलत होता है यार। वो कार वाला इतनी लेट हो रहा है। अंकल जी ने पूरी प्रॉपर बेइज्जती करी है इनकी, और ये मेरी गली गई है, खुश हो रहे हैं बेइज्जती करवा के, कह रहे हैं मज़ा आ रहा है। तो हम आधे घंटे के ट्रैफिक के बाद पहुंच चुके हैं डलहौजी रोड। चाह कभी कभी ना मैं बहुत ही फनी जोक मार देता हूँ, हमें पहले ढूंढना है क्या ढूंढना है, मेरे को खुद नहीं पता क्या ढूंढना है बच्चों, बट कुछ तो ढूंढना है पहले। यहाँ से निकले एक तो शॉप मिल चुकी है। अरे भाई साहब इस साइकिल वाले भैया ने बहुत ही तेज साइकिल चढ़ाई सीधी रोड पे। अरे 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 थोड़ी देर इसका एयर फिल्टर पता करने, आफ्टर मार्केट। मेरे को ना एक्चुअली इसका डाउट होता है कि टॉप एंड अचीव होने में ना इसका एयर फिल्टर में दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी दिन बाद मिलने जा रहे हैं हम अमन भैया को। अरे मैम क्या करवा रहे थे यार आप, अभी मरवा के छोड़ते मेरे को। अरे उसके बाद इसकी सीट की कुशनिंग भी हो करवानी है यार।
यहीं पे कहीं पे अपने अक्षय भाई भी आए हुए हैं। उन्होंने बैंक का बताया था मेरे को कि बैंक आए वो। निकलते हैं यार हम तो।